ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के ही नहीं पूरे देश के गौरव हैं। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में ऑनलाइन किया गया। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, अटल जी ग्वालियर के नहीं, प्रदेश के ही नहीं, बल्कि हमारे देश का गौरव है। उन्होंने सांसद निधि का सकारात्मक उपयोग करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद किया। बताया जा रहा है, यह मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स 22 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। कन्वेंशन सेंटर का मुख्य आकर्षण इसका विशाल ऑडिटोरियम है, जिसे गुलमोहर नाम से जाना जाएगा। इसमें लगभग 2000 छात्र एक साथ बैठ सकेंगे। शिवाजी यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं शिवाजी विश्वविद्यालय परिवार और ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संरचना को बनाने में 23 करोड़ रुपया लगभग खर्च आया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।